हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुलश्रेष्ठ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आया हूँ जिसका नाम है आधार पैन लिंकिंग। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, आधार पैन लिंक की लास्ट डेट 31 मार्च 2023 है। कृपया करके इसे जल्द से जल्द लिंक करिएगा, अदरवाइज आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनऑपरेटिव का मतलब वो किसी भी काम का नहीं रहेगा, मतलब आपको बहुत तरीके से नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे बैंक बैंक अकाउंट्स में अगर आपका पैन नंबर लगा है तो बैंक अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपने ITR फाइल किया है और वो वेरीफाई नहीं है तो ITR इनवैलिड हो जाएगा। तीसरी चीज़, ITR से रिलेटेड आपके रिफंड्स जो भी पेंडिंग है वो एक भी रिफंड्स आपको नहीं मिलेगा। चौथी चीज़, आपको कहीं पर भी कोई सामान खरीदना है जहाँ पर पैन लगाना पड़ता है 50,000 से ऊपर, वहाँ पर उस तरीके का कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। और भी कई नुकसान है जो आपको उठाना पड़ सकता है। मैं चाहता हूँ आपको इस तरीके का कोई भी नुकसान ना उठाना पड़े, अपना पैन आधार से जल्द लिंक कराएं। लिंक करने के लिए आपके आधार पैन में दोनों एक जैसे होने चाहिए, किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जैसे नाम बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, जो आधार में वही पैन में होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ जैसी पैन में वो आधार में होनी चाहिए, और किसी भी तरह का कोई भी फर्क पैन और आधार में नहीं होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके आधार में मोबाइल नंबर जरूर अपडेट होना चाहिए। जब आधार पैन लिंक किया जाता है तो आधार से एक OTP आता है जिसके थ्रू पैन लिंकिंग प्रोसेस आगे बढ़ता है। तीन चीज़ों पर ध्यान रखिएगा, आपका आधार पैन लिंक हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर अपना ITR फाइल कर चुका है और उसका केवल ITR वेरीफिकेशन पेंडिंग है तो वो जल्द से जल्द उसको क्लियर कराए, क्योंकि आधार पैन लिंकिंग प्रोसेस की वजह से पेंडिंग है। अदरवाइज ITR आपका जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। आइए समझते हैं इसको किस तरीके से हमको ये काम करना है। लास्ट डेट जैसे मैंने बताया आधार पैन की 31 मार्च 2023 है। एक नोटिफिकेशन 7/2023 जो कहता है कि आपका आधार 1 अप्रैल 2023 से इनऑपरेटिव हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। सेकंड चीज़, ये लेट फीस के साथ आपका लिंक होगा। 31 मार्च 2022 तक किसी भी तरह की कोई भी लेट फीस नहीं लगती थी। फिर 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 तक लेट फीस जो है वो 500 रुपये हो गई। उसके बाद लेट फीस का अमाउंट 31 मार्च 2023 तक 1,000 रुपये लिंकिंग प्रोसेस में लगेगा, जो कि एक नया रूल इंसर्ट किया गया था 1145A, जो इस बताता है कि लेट फीस किस तरीके से वसूली जाएगी। ये कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है जिन पर आधार पैन लिंकिंग प्रोसेस अप्लाई नहीं होगा, जो कि समझ लीजिएगा। कोई भी व्यक्ति अगर आसाम में रहता है, स्टेट बैंक जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में रहता है और मेघालय में रहता है, उस पर ये आधार पैन लिंकिंग प्रोसेस अप्लाई नहीं होगा। कोई NR है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग, जिसकी एज 80 साल और उससे ज़्यादा है, तब ये अप्लाई नहीं होगा। और नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया है, इट मीन्स वो देश से बाहर रहता है, भारत का सिटीजन नहीं है। NR और सिटीजन ऑफ इंडिया देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके दोनों के मतलब अलग अलग है। NR एज पर इनकम टैक्स इंडिया 1961, और सेकंड पॉइंट नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया। NR मतलब इंडिया का सिटीजन तो है, लेकिन वो 182 दिन और उससे ज़्यादा इंडिया में पिछले 12 महीने में नहीं रहा। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसे NR कहते हैं। और नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का नागरिक नहीं है, उसे नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं। उन लोगों पर ये एक्ट, ये रूल जो है वो अप्लाई नहीं होगा, आधार पैन लिंकिंग का लॉ अप्लाई नहीं होगा। और ये आप इजीली इनकम टैक्स की साइट से भी इसको लिंक कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई आपको दिक्कत आए तो आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क कर सकते हैं, वो इसको इजीली इसे कंप्लीट करवा देंगे। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रोसेस बहुत आसान है, जितनी जल्दी हो सके इसको कंप्लीट करवाइए, अदरवाइज आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। 31 मार्च 2023 इज अ डेडलाइन टू लिंक आधार एंड पैन। थैंक यू सो मच।